बुरहानपुर जिले के ब्रजधाम कॉलोनी में रहने वाले कक्षा 10वीं के 8 विद्यार्थियों के समूह ने सोलर से चलने वाली साइकिल को मोटरसाइकिल का रूप दे दिया है। एक बार चार्जिंग करने पर यह साइकिल 30 से 35 किलोमीटर चल रही है, जो लोगों के लिए भी अब आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस साइकिल को देखने के लिए अन्य विद्यार्थी भी पहुँच रहे हैं। कबाड़ में पड़ी हुई इस साइकिल को मोटरसाइकिल जैसा रूप देने के लिए विद्यार्थियों ने 25,000 रुपये खर्च किए हैं। शहर की माइक्रोविजन एकेडमी में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समूह ने शिक्षक द्वारा सोलर साइकिल बनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद उन्होंने यह साइकिल बनाई, जो 25 दिन में इस साइकिल को बनाकर तैयार कर दिया है। ब्रजधाम कॉलोनी में रहने वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने साइकिल को मोटरसाइकिल का रूप दिया है, जिसमें दिव्यांश देवड़ा, नमन जैन, अक्षय जैन, जय शाह, अनन्या शुक्ला, पंकज चंचलानी, मानस मुंशी, प्रीत श्रॉफ की अहम भूमिका रही है। सोलर साइकिल से पेट्रोल की बचत होगी। यदि आप मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर घूम रहे हो तो आपको करीब 100 रुपये का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालना होगा, लेकिन जब सोलर साइकिल से घूमेंगे तो केवल आपको 2 रुपये से 7 रुपये की बिजली खर्च करना होगी। बच्चों को विशेष रूप से गोविंद देवड़ा और उनकी पत्नी श्वेता देवड़ा ने विशेष सहयोग दिया है। जब भी बच्चों को इस प्रोजेक्ट में बनाने में परेशानी आई, यह माता पिता उनके लिए खड़े रहे और उन्होंने ना दिन देखा ना रात हर संभव मदद की, जिससे अब साइकिल बनकर तैयार हो गई है। बच्चे अब आगे सोलर व्हील चेयर बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साइकिल बनाई है और उसको मोटरसाइकिल का रूप दे दिया है। कितनी मेहनत लगी और कितने समय में बना पाया? हमें ये 25 डेज का समय लगा था। हम रोज शाम को 2 से 3 घंटे जाते थे, फिर देखते थे कि क्या चीज़ कैसे बनेगी, कहाँ क्या सेट हो सकता है, क्या से कहाँ सामान लाना है और फिर कितने वोल्ट का चीज़ें लगेगी। ये हमारी साइकिल हम लोग को 19 to 20K में बनी है और हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं आगे के 30K में बेचे और फिर एक छोटा सा स्मॉल टाइप बिजनेस चालू करें कि जिसको भी कन्वर्ट करानी हो अपनी साइकिल्स, ताकि उनका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो और फिर टाइम भी सेफ हो। आप कितनी कक्षा के छात्र हो? 10th क्लास को मैं, मेरा नाम दिव्यांश देवरा है। अब आगे और क्या बनाने की प्लानिंग है? एक हम लोग सोच रहे थे जैसे कि एक डिसेबल जो भी डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए हम एक व्हील चेयर बनाएं, क्योंकि उनको बहुत मेहनत लगती है जाने आने में, ताकि उनको आसानी हो, एक इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर हो उनके लिए। इसमें क्या क्या लगाया आपने, कैसी चलेगी इसका संचालन? इसमें एक्सीलेटर्स है, इसमें ब्रेक्स है, हॉर्न है, लाइट है, आपके पास इंडिकेटर्स भी है, बैटरी के लिए बैटरी लगी है, कंट्रोलर्स है, देन डीसी बूस्टर्स है, मोटर एंड सोलर है। कितने लोगों की टीम है आपने इसमें? हम लोग 8 जन की टीम है। अब क्या नाम आपने? दिव्यांशु देवरा। क्या खासियत है इसमें? इसमें खासियत ये है कि ये एक सिंगल चार्ज पर 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर चल सकती है और इसकी जो स्पीड रहेगी 20 to 25 किलोमीटर की रहेगी। प्लस इसमें मैंने जैसे पहले भी मेंशन करा था कि ये सोलार रेडिएशन से चलेगी, बैटरी से चलेगी और आप पेडल सिस्टम से भी चला सकते हैं। 3 तरीके से साइकिल चल सकती है। आज के दौर में यदि 30 किलोमीटर घूमना है तो पेट्रोल ज्यादा लगता था, लेकिन हाँ, कितने में चार्ज हो जाएगी? 7 to 8 रुपीज में ये बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर 30 किलोमीटर चलेगी। अनन्या शुक्ला। आपने क्या साइकिल बनाई और कैसे इसका संचालन है? मेरा नाम अक्षत जैन है। मैं क्लास 10th में माइक्रोविजन एकेडमी पढ़ता हूँ। हम लोगों को ये साइकिल बनाने में मेहनत बहुत लगी और टेक्निकल रिलेटेड जो इश्यूज थे वो मैंने देखे, तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज टेक्निकल के बारे में है, तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से बैटरी जो है वो 24 वोल्ट की और 12 एम्पियर पर रहती है, तो 12 एम्पियर जिस हिसाब से आप चार्ज करते हो उसमें 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की रेंज पे आपको मिल जाती है, और सोलर पैनल भी आपको 3.5 आवर्स में चार्ज कर देता है साइकिल को, और जो डीसी बूस्टर है वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है और जल्दी से जल्दी बैटरी को चार्ज करता है। जो मोटर है वो 150 वॉट्स की है और 24 वोल्ट की है, और ये सोलर पैनल 40 वॉट्स का 24 वोल्ट का है जो जल्दी से जल्दी चार्ज करेगा, और बैटरी जो मोटर को पावर देती है उस हिसाब से जब इस पे साइकिल पे कोई इंसान बैठता है तो 25 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक की पकड़ लेती है। मेरा नाम नमन जैन है, क्लास 10th से हूँ। जैसे हमने ये साइकिल बनाई है तो आप देखेंगे कोई भी अगर हम ईवी गाड़ी ले या मोटरसाइकिल या मोटर बाइक ले वो 80,000 या उससे 1 लाख के ऊपर भी जाती है, पर हमने ये जो बनाई है ना ये सोलार ईवी साइकिल है, ये 30 किलोमीटर की रेंज भी लेती है और ये सिर्फ 35 to 32,000 रुपीज की पड़ती है। इसको कंपेयर करें एक बाइक से या ईवी स्कूटी से तो ये बहुत सस्ती है और बहुत एफिशिएंट भी है। साइकिल को मोटरसाइकिल का रूप दिया है, कितनी मेहनत लगी? मेरा नाम जय शाह है, मैं 10th क्लास माइक्रोविजन एकेडमी में पढ़ता हूँ।
जैसे कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो बाइक और स्कूटी जो कॉस्टली होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने सोलर साइकिल बनाई है जो कि हम 30-35 के तक बेचे। कैसे चल रही है रोड पर अभी? ये अभी बहुत मतलब बढ़िया तरह से चल रही है और मतलब ये इसमें पेडल लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अगर चार्जिंग खत्म हो गई या कोई दिक्कत आ गई तो हम पेडल से चला सकते हैं। और ऐसे इसको बनाने में बहुत मजा आया और हमें मतलब टीचर का आइडिया मेन था इसमें, वसीम सर का, उसमें बहुत मजा आया। क्या नाम है? पंकज चंचलानी। साइकिल को मोटरसाइकिल का रूप दे दिया, कैसा लग रहा है आपको और कितना आपको परेशान किया? बच्चों ने परेशान तो किया ही है बट हमने जब बच्चों ने बताया था हम सोचे नहीं कर पाएंगे, बट बच्चों ने ठानी और बहुत अच्छा इनोवेशन उन्होंने किया, मतलब उन्होंने ठानी मन में बनाया कि नहीं हमको बनानी ही अब, और 8-10 बच्चों ने मिलकर खूब मतलब हम लोग को इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि आज बच्चों ने हमारे को जो चीज़ बोली वो चीज़ करके भी दिखाई इन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ प्लान करते तो क्या मतलब फुल सपोर्ट रहेगा मेरा, अभी भी है ही और आगे भी सपोर्ट रहेगा, जो इनका नेक्स्ट इनोवेशन लोग सोच रहे व्हील चेयर के लिए उसके लिए भी पूरी तरह से हम इसको सपोर्ट करेंगे। गोविंद देवड़ा। आपका क्या सहयोग रहा है? देखिए सहयोग तो क्या है, बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते, उनकी हेल्प करना ये सबसे बड़ा सहयोग है। और बच्चों का बनाने का क्रिएटिव चीज़, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई, हम लोग नहीं कर पाए जो चीज़ हमारे बच्चे कर दिखाए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करती हूँ। श्वेता देवड़ा।